गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2017 और 15 अगस्त की या मतलब स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेली की पीआईबी की न्यूज़ और जो साथ में इम्पोर्टेंट एडिटोरियल वगैरह वो भी। आज से हमने थोड़े चैनल में चेंजेस किए हैं कि जो भी नए इम्पोर्टेंट एडिटोरियल होंगे द हिंदू, लाइव एंड इकोनॉमिक्स टाइम वगैरह के, वो हम इम्पोर्टेंट वगैरह वो सारे डिस्कस करते रहेंगे एक एक दो दो साथ में। तो चलिए देखते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। आज की पहली जो पीआईबी न्यूज़ है वो रेल स्वच्छ पखवाड़े को लेके है। जो अपने स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है जिसकी नोडल जो मिनिस्ट्री है वो है, आपको पता ही है, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो इसकी वो नोडल मिनिस्ट्री है। उसने अभी रेलवे को एक नया मतलब रेलवे को टाइम दिया है जिसमें ये स्वच्छ पखवाड़ा मनाया जाएगा। ये 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक मनाया जाएगा 2017 के टाइम पे। और ये मेनली इसको जो मेन हेड एजेंसी नोडल है वो एजेंसी आपको पता है ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें आगे इम्पोर्टेंट क्या है। ये जो पॉइंट्स हैं ये अपन इंडियन रेलवे वगैरह में जिसे कहीं पे सफाई वगैरह को लेके वहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अगर स्वच्छ भारत पे अगर कोई भी अगर ऐसे वगैरह आता है उससे रिलेटेड, तो वहाँ हमें उन की पॉइंटों को यूज़ कर सकते हैं। कि वैसे ये सफाई है वो ये तो नहीं कि एक दिन ही ज़रूरत है, सफाई तो पूरे टाइम ही ज़रूरत है। बट गवर्नमेंट इनको टाइम टू टाइम चलाती रहती है ताकि लोगों में एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो इसमें भी कुछ जो भी कमियां हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जो भी आर्टिकल में दिया हुआ है एडिटोरियल में वो हम थोड़ा देख लेते हैं पहले। तो इसमें हर अलग दिन एक एक नया नया प्रोग्राम या इवेंट चलाए जाएंगे, किसी दिन अलग काम, किसी दिन, तो वो थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे 16 अगस्त को है वो स्वच्छ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा। मतलब इस दिन जो स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के नारा मतलब से नारा दिया जाएगा और लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाएगी कि सफाई हमें करनी है। स्कूल, एनजीओ, कॉलेजेस और धार्मिक जो भी रिलीजियस बॉडीज़ हैं उनकी हेल्प से ये काम किया जाएगा कि लोगों को जागरूक किया जाएगा। अब से अगला दिन है उसमें स्वच्छ संवाद होगा। इसके में जो भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन होंगे वहाँ पर सफाई अभियान स्टार्ट किया जाएगा। और अगला फिर उसके नेक्स्ट डे वो स्वच्छ संवाद होगा, वो इंडोर होगा। मतलब ये हॉस्पिटल, स्कूल जो बॉडीज़ हैं इनमें अंदर में जो भी मतलब कचरा वचरा है, सफाई से रिलेटेड इश्यूज हैं सॉरी, उनको लेके ये कैंपेन चलाया जाएगा सॉरी। अगला जो है 19 अगस्त को है वो स्वच्छ स्टेशन है। इस दिन प्लास्टिक मुक्त और सौर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए लोगों को अवेयरनेस करवाया जाएगा। मतलब ये एक तरीके से जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने पेरिस क्लाइमेट चेंज में भी कहा था कि पोल्यूशन से मतलब जो इकोलॉजी है उससे दूर, इन्वायरमेंट पोल्यूशन से दूर रहने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं। तो वहीं गवर्नमेंट ने ये प्लस सौर ऊर्जा का प्रयोग करना है क्योंकि बायो जो एक तरीके से बायो सॉरी ये जो बायोफ्यूल है उसकी हेल्प से एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए लोगों को अवेयर करवाया जाएगा और सौर ऊर्जा है उसका भी प्रयोग किया जाएगा। अब आगे है, जैसे हर दिन अगला क्या है वैसे स्वच्छ स्टेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा 20 अगस्त को, कि स्टेशन को साफ रखना है उसके लिए क्या क्या मतलब जो मैनेजमेंट वगैरह करना है। इसके साथ 21 अगस्त को स्वच्छ रेलगाड़ी अभियान चलाया जाएगा। इसमें जो रेलगाड़ी है उसके अंदर जो भी ट्रेन वगैरह में सफाई वगैरह का इशू है उसको कंसिडर किया जाएगा। और 22 अगस्त को जो भी अगर बचा हुआ रिमेनिंग जो ट्रेन वगैरह रहेगी उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। अब जो 23 अगस्त है उसमें स्वच्छ परिसर मतलब जो भी ऑफिसेज और वर्किंग जो कार्यस्थल हैं जहाँ भी, वहाँ सफाई के ऊपर फोकस किया जाएगा मेनली। और इसी के साथ 24 अगस्त को वो स्वच्छ परिसर जो वेटिंग हॉल होते हैं रेलवे स्टेशन पे, रेंट हाउस होते हैं और जो रनिंग रूम वगैरह होते हैं मतलब जहाँ पे काम चल रहा है उन रूमों को सफाई के लिए मतलब अवेयर करवाया जाएगा और उसके लिए कैंपेन चलाया जाएगा तथा जो भी उसमें मेंटेनेंस वगैरह करना है वो करवाया जाएगा। अब 25 अगस्त को स्वच्छ आहार कैंपेन चलाया जाएगा। इसमें कैंटीन की प्रॉपर सफाई वगैरह चेक की जाएगी, खाने को मेन्यू वगैरह सब चेक किया जाएगा। और 26 अगस्त को स्वच्छ आहार का सेकेंड डे है। इस दिन जो भी ये इस क्षेत्र में वेंडिंग यूनिट्स होती हैं, पेंट्री कार्स होती हैं, इनमें खाने की क्वालिटी देखी जाएगी, फीडबैक देखा जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड वगैरह हैं उनको चेक किया जाएगा तथा खाने की क्वालिटी जैसे फ्रेश है कि हाइजेनिक है नहीं, ये सब चेक किए जाएंगे। और 27 अगस्त को स्वच्छ नीर के बारे में कैंपेन चलाया जाएगा जिसमें फिल्टर प्लांट TDC लगाने की बात है। और 28 अगस्त को स्वच्छ नीर का सेकेंड पार्ट चलाया जाएगा। इसमें जो भी ऑफिसर्स और जो कॉलोनी होती हैं, स्कूल वगैरह होती हैं, उनमें जो भी वाटर की जो भी बॉडी है जैसे कि कहीं छोटे 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 मतलब जो वाटर टैंक बने हुए हैं, कहीं बड़े वाटर टैंक वगैरह हैं, उनका निरीक्षण कराया जाएगा तथा उनको मतलब सफाई वगैरह करवाई जाएगी। और इसी के साथ जो भी प्लेटफॉर्म पे पानी की किल्लत होती है, मतलब एक बार आप देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पे पानी वगैरह नहीं मिल पाता है
तो उसको प्रोवाइड करवाने के लिए जो भी सॉल्यूशन है वो उचित कदम उठाए जाएंगे उसके लिए। और 29 अगस्त को स्वच्छ प्रसाधन मतलब जो भी टॉयलेट होते हैं उनका मेंटेनेंस कराना है तथा ओपन डेफिसिट को रोकना है ट्रैक पे, जो भी नॉर्मली काफ़ी स्वच्छ, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान का जो मेन मोटिव है वो ये कि ओपन डेफिसिट को रोकना है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। अगला जो 30 अगस्त को वह स्वच्छ प्रतिस्पर्धा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन लोगों को मतलब रिवार्ड दिया जाएगा तथा कर्मचारियों को एक तरीके से मोटिवेशन दिया जाएगा कि अगर वो अच्छा काम करेंगे तो उनको रिवार्ड वगैरह मिलेगा, तो उनमें एक तरीके से मतलब अच्छे काम करने की भावना आएंगी तथा एक मोटिवेशन पॉइंट भी बना रहेगा उनके लिए। जो लास्ट दिन है उस दिन इको सर्वे होगा कि इस पखवाड़े में मतलब क्या क्या काम किया, जो रिपोर्ट तैयार होगी और जो भी कुछ कमियाँ हैं वो सामने लाई जाएंगी तथा उनका समाधान किया जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये अपन जैसे रेलवे के अंदर सफाई वगैरह के कुछ पॉइंट आते हैं कि रेलवे में क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या अभी रेलवे की रिसेंटली रेलवे की क्या हालत, तो वहाँ हम इन पॉइंटों को यूज़ कर सकते हैं। स्वच्छ भारत को लेकर अगर कोई भी पॉइंट आ जाता है तो वहाँ हम यूज़ करते हैं कि सफाई की दिक्कत कहाँ कहाँ है। देखा जाए तो सफाई की दिक्कत सभी जगह है और गवर्नमेंट इसी दिशा में एक कदम उठा रही है कि सफाई को लेकर जल्द से जल्द अच्छे कदम उठाए जाएँ और भारत को एक स्वच्छ भारत बनाया जा सके, एक नया भारत का निर्माण किया जा सके। तो चलिए अब देखते हैं आगे न्यूज़। सेकंड अगली न्यूज है वो है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लेकर है, GeM के बारे में। यह एक इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म है जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए। यह कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने गवर्नमेंट ई मार्केट की शुरुआत की है, तो ये उसमें थोड़ा यूनिवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है क्या वो देख लेते हैं। अब इसका जो मेन उद्देश्य है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि भारतीय उद्योग और जो भी उद्यम होते हैं मतलब जो मेन बड़ी इंडस्ट्रीज और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को उनमें कोलैबोरेशन की ज़रूरत होती है, और उसी के लिए आपस में उन दोनों को जो भी बड़ी इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें एक तरीके से सहयोग और जो भी कोलैबोरेशन है उसके कायम करने के लिए गवर्नमेंट ने ई मार्केट जो स्कीम है वो चलाई है। मेनली इस ई मार्केट जो प्लेटफॉर्म है इसका यही मोटो है कि जो भी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके जितने वर्कर्स वगैरह हैं उन सबको, इंडस्ट्रीज तथा जो भी वर्कर है उनको एक जगह लाया जाए, मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा सके जहाँ से अगर गवर्नमेंट उनको कुछ फैसिलिटी वगैरह भी प्रोवाइड करना चाहती है तो वहाँ एक जगह उनको इन्फॉर्म कर सके। मतलब उनके लिए भी एक तरीके से एक ई पोर्टल होना चाहिए जहाँ उनके बारे में उनके डेवलपमेंट के लिए उनके लिए जो भी कुछ कमी है या गवर्नमेंट उनको क्या भी कुछ ऑफर देना चाहती है वहाँ वो उनको प्रोवाइड करवा सके। इसलिए ये एक जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है ऑनलाइन, और इसमें देश भर के जो भी इंडस्ट्रीज होते हैं तथा जो भी मेंबर होते हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। मेन मोटो जैसे आपको भी क्लियर बताया कि सीधा सा यही है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको एक साथ लेके आना है तो उनमें जो भी दिक्कत है तो आपस में इसे सोल्व कर सकते हैं मिलजुल के। जैसे किसी इंडस्ट्रीज को किसी चीज़ की प्रॉब्लम है तो उसका समाधान करें, जैसे किसी इंडस्ट्रीज है उसका मेंटेनेंस अच्छा नहीं है तो वो दूसरी इंडस्ट्रीज से हेल्प ले सकती है, कि ऐसे मतलब एग्जांपल लिया मैंने किसी भी सेक्टर में उनको दिक्कत होती है इंडस्ट्रीज वगैरह को तो वो आपस में हेल्प ले सकते हैं तथा गवर्नमेंट भी उनको हेल्प प्रोवाइड करेगी इसी पोर्टल के थ्रू। तो ये थोड़े डिस्कस किया। अगली जो न्यूज़ है वो मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, सेकंड इंटरनेशनल कोर्स स्टार्ट हो रहा है इंडिया में तो उसको लेके ये न्यूज़ है। तो जो इंडियन नेवल वॉर कॉलेज है उसने जो भी फॉरेन इंडिया के जो विदेशी नौसेना अधिकारी हैं उनके साथ ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है और ये गोवा में स्टार्ट किया जा रहा है। यह मेनली मेरीटाइम सिक्योरिटी नेशन बिल्डिंग में के लिए एक कैंपेन मतलब ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मतलब सीधी सी बात यह है कि भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए समुद्री सुरक्षा का क्या महत्व है, क्योंकि भारत को पता है कि एक नए राष्ट्र का एक नए देश का निर्माण हो रहा है और उसके लिए सिक्योरिटी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो उसके लिए समुद्री सिक्योरिटी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, तो उसका क्या महत्व है तो उसको लेके अभी प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और ये इंडियन ओशियन में स्ट्रॉन्ग टाइज वगैरह स्ट्रॉन्ग जो टाइज है मतलब स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए है और जो भी कोलोबरेट नई डेवलपिंग जो एफिशिएंट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको लेके ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। मतलब इंडियन ओशियन में एक तो इंडिया के काफ़ी जो पावर सॉफ्ट पावर है वो बढ़ी रहेगी इसकी वजह से, और जो भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है वो भी मेरीटाइम सेक्टर में वो भी आगे बढ़ेगी, तो उसको लेके UNDP ये प्रोग्राम या जो भी ये चलाया जो प्रोग्राम कैंपेन चलाया जा रहा है सॉरी, इसमें मेनली कौन कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है वो हमारे वो जो कौन सी सॉरी इसमें कौन सी कंट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। बांग्लादेश, मालदीप, म्यांमार, ओमान और श्रीलंका और इंडोनेशिया, यहाँ से इसमें जो भी कम्पिटिटिव हैं वो आएंगे और उसमें मतलब शामिल होंगे।
अब इसके द्वारा आपको जैसे भी बताया कि तो सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। सॉफ्ट पावर बढ़ने का फ़ायदा क्या है? सॉफ्ट पावर बढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इंडिया के रिलेशन है, फॉरेन रिलेशन, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और इसकी वजह से उनको ट्रेड में फ़ायदा होता है। और जो भी इस मतलब आपस में कम्युनिकेट करेंगे वो यहाँ आएंगे, और फिर इंडिया की इससे सॉफ्ट पावर बढ़ रही है डायरेक्टली, इससे रिलेशन तो बढ़ ही रहे हैं। और इसी के साथ जो भी टूरिज्म वगैरह सेक्टर है वो भी बढ़ेगा, और वहाँ के स्टूडेंट यहाँ इंडिया में आएंगे तो इंडिया को एक तरीके से इनकम FDI भी तो आ रही है, मतलब फॉरेन जो सॉरी FDI नहीं बोल सकते, जो फॉरेन वो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ेगा इंडिया का। तो मतलब ये इस तरीके से आज के टाइम पे हर चीज़ एक दूसरे को इफेक्ट करती है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काफ़ी फायदा होता है। जैसे अभी आपको बताया रिसेंटली मतलब 4-5 महीने पहले श्रीलंका का एक शिप था इंडियन, जो कोस्टल एरिया था उसके आसपास के क्षेत्र में था और वो डूबने लगा, तो उसी टाइम पे इंडियन नेवी ने उनकी हेल्प की थी। तो ये मतलब सॉफ्ट पावर की वजह से ये एक पॉइंट होता है कि मतलब कंट्री एक दूसरे की हेल्प करती हैं। और वहाँ भी इंडिया को ऑब्वियसली अपनी चाइना को काउंटर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम चलाने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब जो अगली न्यूज़ है वो है नेशनल मिशन ऑन बोविनी प्रोडक्टिविटी स्कीम। इस स्कीम में मेनली जो भी गायों का सॉरी जो भी पशुधन है और दुधारू पशु होते हैं उनको मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट। तो इसमें जो भी न्यूज़ में है वो तो ये बात है कि मतलब अप्रोक्सीमेट 88 मिलियन जो मिल्क प्रोडक्टिव एनिमल हैं उनको गवर्नमेंट ने 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है, और उसकी हेल्प से उनको एक INAPS नेटवर्क में ऐड किया है। ये INAPS नेटवर्क वो है इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। तो थोड़ा देख लेते हैं इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने डेयरी सेक्टर के लिए काफ़ी स्कीम चलाई हैं, वो स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने भी पशुधन के लिए एक स्कीम चलाई थी, पशुधन संजीवनी। इस ये स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट ने जो भी एनिमल हैं दुधारू एनिमल हैं उनको हेल्थ और हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करवाएगी, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देगी, जिसकी वजह से उनके बारे में जो भी सारा डाटा है वो गवर्नमेंट के पास रहेगा और एक पोर्टल पे रहेगा। तो अगर किसी को कोई भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कोई भी डिजीज़ वगैरह हो तो उसके लिए क्या समाधान निकालना है, उन सब के लिए यूज होगा। और इसकी वजह इसका सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये होगा कि मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना है, और उसके लिए ही ये जो पशुधन संजीवनी स्कीम है गवर्नमेंट लेके आई थी। अब अगली जो स्कीम है उसी में वो देख लेते हैं, एडवांस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, ये एक स्कीम लेके आई थी। इसका जो मेनली है वो ये कि जो भी डिजीज़ फ्री कृत्रिम गर्भाधान है उसको मतलब प्रमोट करना है, क्योंकि जो भी पशुधन मतलब जैसे गाय भैंस वगैरह होती हैं इनमें मेनली जो कृत्रिम गर्भाधान की वजह से काफ़ी बीमारियां फैल जाती हैं, तो उसको मतलब टेकल करने के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है कि इसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया जाएगा। जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, लैब बनाई जाएंगी जगह जगह पे, और मेन मोटो दोनों का सेम ही है कि मिल्क प्रोडक्शन और जो प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल है उसको दोनों को बढ़ाना है। अगली जो इसी में स्कीम है वो है ई पशुधन हॉट पोर्टल। यह पोर्टल मेनली जो भी बैल वगैरह हैं उनको मतलब ऑल इंडिया में सप्लाई करने के लिए, उनके सीमन की सप्लाई के लिए पोर्टल चलाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया में जो ब्रीडिंग टेक्निक की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसके लिए जो जहाँ भी अगर अच्छी क्वालिटी के जैसे सीमन वगैरह मिलता है इंडिया में, तो उसको मतलब पोर्टल के थ्रू जहाँ भी ज़रूरत है उन एरियों में पहुँचाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि राजस्थान हरियाणा में कोई अच्छी क्वालिटी के जो मतलब ऑक्स वगैरह हैं, बैल वगैरह हैं, तो उनकी अगर सीमन को अगर जैसे कि गुजरात वगैरह हो गया कि नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में पहुँचाना है, तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है कि वहाँ पर सारा डाटा रहेगा, तो जिसको भी अगर ज़रूरत होती है किसानों को तो वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। क्योंकि अभी रिसेंटली हालत ये है कि जो किसान होते हैं मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो मेनली दलालों पे डिपेंड होते हैं, अगर उनको हाई क्वालिटी का जो भी जर्म प्लाज्म वगैरह की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो ये एक ऑथोराइज मार्केट प्रोवाइड कराने के लिए है गवर्नमेंट का, जो ई पशुधन पोर्टल है इस नाम से मिलवाया है। यह पोर्टल जो ब्रीडिंग और जो फार्मर्स ऑफ इंडियन ब्रीडिंग है उनको आपस में कनेक्ट करेगा, मतलब जो इंडियन जो नस्ल हैं पशुओं की उनको बढ़ाने के लिए, उनके लिए जो भी प्रोग्राम चलाएगी गवर्नमेंट उनकी पशुधन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, उसके लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इसका सबसे जो बड़ा फायदा वो है कि जो भारत की स्वदेशी जो नस्लें हैं उनको संरक्षित करना है। अब चलिए देखते हैं एक साथ अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है वो नेशनल बोविन जीनोमिक सेंटर के बारे में। यह स्कीम है वो स्वदेशी पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए
आई है, और इसके लिए जगह जगह पे जो है जीनोमिक सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें जो भी अगर जैसे विदेशी जीन, विदेशी गाय या भैंसों के जो भी अच्छे जीन वगैरह हैं उनको यूज कर सक उनको यूज करके, और जो इंडिया की डोमेस्टिक जो मतलब घरेलू जो नस्लें हैं उनको सुधार किया जाएगा। जैसे इंडिया की काफ़ी नस्लें हैं जो काफ़ी अच्छे है दूध, मतलब उनकी दूध क्वालिटी कम है, दूध की जो ग्रोथ है, सॉरी जो दूध की जो पर कैपिटा इनकम, मतलब सॉरी दूध की जो क्वालिटी बोल सकते हैं या क्वांटिटी, सॉरी दूध की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। तो उसको अगर बढ़ाना है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसके लिए स्कीम लेके आई है कि इसके तहत जो भी विदेशी अगर जैसे गाय या भैंस है उनका मतलब जीन, अच्छे जीन लिए जाएंगे और उनको फिर ट्रांसफर करके मतलब एक तरीके से जीन, जीनों के लिए एक टेक्नोलॉजी लेके आई है गवर्नमेंट, और ये सेंटर बनाए जा रहे हैं जहाँ पे गायों की जो नस्लें हैं वो सुधारी जाएंगी। गाय भैंस और जो भी दुधारू पशु हैं उनकी नस्लों को सुधार करने के लिए स्कीम लेके आई है, और ये हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स को पहचान करेगी तथा उनको, उनके जो जीन्स वगैरह हैं उनको सुरक्षित रखेगी। इसके लिए ये गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई है। तो ये स्कीम है वो ये नेशनल डेयरी फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट लेके आई है, क्योंकि डेयरी उद्योग को इंडिया को काफ़ी आगे बढ़ाना है, और काफ़ी अभी भी दूध प्रोडक्शन में इंडिया काफ़ी आगे है, तो इसके लिए ये स्कीम है, तो हमें थोड़ी ये याद रखनी है। अब अगला जो हमारा डेली का आपको बताया कि हम डेली ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करते हैं, तो आज है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। यह एक यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और यह इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ को, हेल्थ के लिए काम करता है। अब इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूएन, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। आपको पता है कि यूएन के मेन 6 ऑर्गन हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो उसी के तहत ये WHO बनाया गया है। ये 1948 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवे में था। इसका जो काम क्या है, काम आपको जैसे पता है कि जो भी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनके लिए प्रोग्राम चलाती है, गाइडलाइन जारी करती है। जैसे अभी आपको पता है कि रिसेंटली जब जीका वायरस का प्रकोप हुआ था, तो जीका वायरस को इसने महामारी घोषित किया था, जिन क्षेत्रों में इनका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, और उनको फिर स्पेशली उनके लिए राहत कार्यक्रम चलाती है, और जो फंड उनको वो प्रोवाइड करवाती है। तो ये इसका मेनली जो काम है वो होता है। अब इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो इसकी है रिपोर्ट्स, क्योंकि UPSC का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है आजकल, रिपोर्ट्स पे पूछती है, रिपोर्ट पे सॉरी क्वेश्चन पूछती है। जैसे इसकी जो रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है, ये WHO जारी करती है, तो ये हमें पता होना चाहिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनती है। तो ये रिपोर्ट्स के बारे में हमें आगे एक कंप्लीट अलग से वीडियो भी लेके आएंगे, बट अभी जो जो बॉडी डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ इनको डिस्कस कर लेते हैं। और इसके साथ जो वर्ल्ड हेल्थ सर्वे होता है वो भी WHO ही और मतलब कंडक्ट करता है, और जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो भी WHO के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था मनाया जाना। और इसी के साथ जो भी महामारी घोषित करनी है, राहत कार्यक्रम जैसे अभी आपको बताया, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वो WHO की हेल्प से चलाए जाते हैं। जैसे इंडिया में जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो WHO की हेल्प से ही चलाए जा रहे हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेट 12 डिजीज के आसपास डिजीज हैं इंडिया के UIP प्रोग्राम में। तो ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए, और जो भी नई हेल्थ पॉलिसी बनानी होती है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए WHO उनको उस कंट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करवाता है कि वहाँ उनको कौन कौन से जो इंजेक्शन वगैरह, मतलब कौन कौन से ड्रग्स उनको यूज करने चाहिए, और उनको उपलब्ध भी करवाने के लिए फैसिलिटी देते हैं। और इसी के साथ जो हेल्थ सिचुएशन है उसको मेनली मॉनिटर करता है। ये इसके जो कार्य हैं वो हमने डिस्कस किए। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, आगे जो भी है वो भी PDF में आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।